हेलो गाइस, आज हम एक मॉकटेल बनाना चाहते हैं जिसका नाम है बेसिल लेमनोट। सो उसके लिए क्या क्या चाहिए वो आप देख लीजिए। ये रहा लाइम जूस और इसमें फ्रेश लाइम जूस ऑलरेडी हम बना के रखे हैं। एंड इसके लिए चाहिए शुगर सिरप एंड एक इस तरह गिलास चाहिए। हमारे पास अभी एक गिलास मुझे अच्छा लगा, मेरे हिसाब से बेस्ट है, आप अपने हिसाब से देख लें। एंड ये इसके नीचे चाहिए इस तरीके से देंगे डाल के, इसके नीचे कुछ प्रेजेंटेशन बनाएंगे। एंड ये बेसिल है एंड इसमें हम लाइम लेमन बेजेस भी है, इसको डाल के सेकर में मडल करेंगे। मडल करने से क्या होता है, इसका असेंशियल बाहर निकलेगा, इसका अरोमा ही बेस्ट आएगा। एंड इसके लिए कॉम्बिनेशन में हमको एप्पल जूस डालना पड़ेगा एंड हमारे पास बेसिल सीरप भी है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा रहा है। सो वेलकम दोस्त, और चलते हैं आज बनाना सीखते हैं। तो पहले हम सेकर ले लें, इसमें हम थोड़ा सा बेसिल लीव्स डालें एंड लेमन बेजेस डाल दिए, लेमन बेजेस डाल दिए, देन इसको मडल कर देंगे हम। एंड मडल करने के बाद में क्या करेंगे, एक मेजर लेंगे जो बेस्ट रहेगा मेजर, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी हम देंगे 200 ml ही देंगे अराउंड। सो इसमें क्या करेंगे, एप्पल जूस हम डालेंगे 100 ml, 100 ml एप्पल जूस डालेंगे। एंड एप्पल जूस डाल दिए 100 ml। एंड इसमें फिर हम डालेंगे 10 ml बेसिक सीरप। सो ये 10 ml बेसिक सीरप हो गए एंड शुगर सिरप डालेंगे 10 ml, 10 ml शुगर सिरप डालेंगे। एंड इसको डालेंगे लेमन जूस, फ्रेश स्क्वीज कर लेना, फ्रेश से बेस्ट होता है। इसको हम डालेंगे अराउंड 15 ml, 15 ml, 15 ml डाल दिया। एंड अब इसको हम सेक करेंगे। एंड ये सेफ हो गया हमारा। एंड इसको डबल स्टेनल से हमको पोर करना पड़ेगा, इसको डबल स्टेनल से। तो अभी तक हम रख देते हैं इसको, और पहले इसको वो कर लेते, स्टेनर कर लेते। ये हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर को डालेंगे। सो प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा कलर डाल दी और थोड़ा सा वाटर ले लेंगे। अब इसमें क्या हो गया, दो कलर, ये हो गया ग्रीन और ये हो गया ब्लू। अब इसको हम यहाँ रख देंगे एंड इसमें गार्निश देंगे। एंड गार्निश के लिए आप अपने हिसाब से दे सकते हो, बट हमारे पास एक क्लिप है। सो ये भी काफ़ी डिज़ाइन एंड ये बेस्ट अच्छा भी लगेगा। सो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लगा देंगे। अब यहाँ पर डिज़ाइन हो गया एंड मॉकटेल हो गया रेडी। सो आप लोग बताइए कैसा लगा एंड लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट जितने भी मॉकटेल हम बनाएंगे वो आपके पास अपडेट भी होता रहेगा। एंड ये हमारा काफ़ी मतलब अभी स्टार्ट किए हैं, सो आप लोग सपोर्ट कीजिए एंड डे बाय डे हम एक नया नया मॉकटेल लाते रहेंगे, मॉकटेल शॉर्ट्स फ्लेमिंग एंड सेक्स, बहुत सारी चीज़ें हम डालेंगे। सो अभी आप सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉकटेल एंड कॉकटेल। सो थैंक यू।